नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी में आज सुनते हैं मनु भंडारी जी की एक कहानी, यह भी का बचा हुआ हिस्सा। सो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहस सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत के परिचित हुए किताबें पढ़ा करती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से मेरा परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहाँ मैंने ककहरा सीखा, वहाँ वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्रा की बजाय चुनाव करके पढ़ने को सिखाया, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद चंद्र प्रेमचंद से बढ़कर जिनेन्द्र अज्ञे यशपाल भगवती चरण वर्मा तक फैल गई, फिर तो फैलती ही गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत ही अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वे मेरी सहज समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य नैतिक अनैतिक सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। शीला अग्रवाल जी ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर के चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों के सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था, प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावा में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच बैठूं उठूं, जानू समझू, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी यह था, यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर अपना जीवन जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो और वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 पैचे पहले ही पड़े, लेकिन किसी ने भी ये दिन न दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे, लौटकर क्या कहर बरपा, इसका अनुमान तो सो में एक पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई, माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकाल जाए तब बुलाना। लेकिन तो जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। सॉरी दोस्तों, आज लाइट बार बार आ जा रही है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, मैं माफी चाहती हूँ, आगे कंटिन्यू करती हूँ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं
और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर सभी बाहर आ जाते हैं। तुम्हारे मारे कॉलेज में चलना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहां तो जाते हैं, जाते समय पिताजी का मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहां बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न ही कानों पर यही हकीकत थी। थैंक यू दोस्तों, इसका अगला हिस्सा मैं आपको कल सुनाऊंगी।